नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उन्नति न्यूज 24 में। मैं हूँ रेणु कुमारी। हमेशा ही अपने दमदार भाषणों से और अपने राजनीतिक जीवन को लेकर चर्चाओं में रहने वाले राजा भैया को कौन नहीं जानता। उन्होंने राम मंदिर बनने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर बहुत बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने विधानसभा में क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा था कि प्रभु श्री राम की चर्चा सर्वाधिक हुई, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर लोहिया को मानने वाले लोग भी ये मानेंगे कि डॉक्टर लोहिया ने जन सामान्य को भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन किया करते थे। कि बाबर, गजनी, गोरी, औरंगजेब लुटेरे थे, रसखान और रहीम हमारे पूर्वज थे। श्रीमन, ये बात यहां पे इसलिए कहना आवश्यक हो रही है कि पिछले दिनों, कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया है साउथ में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बात की गई श्रीराम जन्मभूमि की, साक्षात भगवान श्रीराम ने उतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जा सुनाम बल शंकर काशी देत सवि संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन, अनवरत सैकड़ों वर्ष से। इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया, किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमन उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और चाबी क्या होगी। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधी आधा अधूरा बोल दिए, जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। दो पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनों अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी। शिवन, हम ही क्या धर्मार्थ दहते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। शिवन, हिंदू तो सर्वसमावेशी है, किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पे हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। इस संवेदनशीलता को रसखान जी, अब्दुल रहीम खान खाना। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए उन्नति न्यूज 24। धन्यवाद।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।